मेरा नाम प्रशांत है। सर आप डेरा सच्चा सौदा से कितने समय से जुड़े हैं? मैं जी 2004 से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे 14 साल हो गए पूरे। 14 साल पहले मैं यहाँ पे पहली बार आया था और आने के बाद जो है मुझे इतना अच्छा लगा तो मैं यहाँ से रेगुलर आता हूँ जी। अब वो रेगुलर जुड़ा हुआ हूँ डेरा सच्चा सौदा से। सर मैं लगातार 15 साल से यहाँ पे आ रहा हूँ। मैंने कभी भी अपनी आँखों से कभी भी ऐसा कुछ गलत नहीं देखा। हमेशा गुरु जी के वचन सुनते थे यहाँ पे आके, इतना अच्छा लगता था। वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा जो जवान लड़के हैं कि किसी को शराब नहीं पीनी, आजकल इतनी बुराइयां हैं, लड़के सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने छुड़ाई। और उन्हीं की रहमत थी कि हम आज इस एज में हैं लेकिन हर चीज़ से दूर हैं, अंडा मांस शराब। और बिल्कुल जो लड़कियां हैं उन्हें सबको बताया कि हमारी बराबर की उम्र की हैं तो बहन ने यहाँ पे आके बताया जाता है, हमसे बड़ी हैं तो माता के समान समझना है। यही हमेशा गुरुजी हमें यही हमेशा यही बातें बताते थे और उन्हीं बातों को जो है हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और इसी वजह से जुड़े हुए हैं डेरे से कि हमने यहाँ पे कभी कोई गलत नहीं देखा। हमेशा अपनी बहनों को भी लेके आते हैं, अपनी माता जी भी आती हैं, सबकी इतनी इज्जत होती है, सब यहाँ पे सेफ रहती हैं। बहनों की साइड अलग है, हम इधर की साइड रहते हैं, सब कुछ इतना अच्छा है तो यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। पिताजी की अच्छी बातें सुन के गुरु जी की तो बहुत अच्छा लगता है। सर इसी वजह से लगातार आ रहे हैं और इसी वजह से जुड़े हुए हैं। देश की मीडिया पूरी तरीके से बिक चुकी है, मैं सीधा सीधा बताऊँ तो, और वो वही दिखाते हैं जो उनको दिखाने के लिए कहा जाता है। मैं खुद, मेरी सारी बहनें आती हैं, बल्कि मेरी बहन तो मुझसे भी 2-3 पहले से जुड़ी है, 2-3 साल पहले से, और मैंने तो बाद में आना शुरू किया। ऐसा कभी कुछ नहीं लगा और पहले तो बहुत 4-4, 5-5 दिन पहले आ जाते थे, अब तो हर संडे आना होता है महीने में, लेकिन कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि हमारी माताएं, हमारी बहनें सेफ नहीं है। अभी भी मेरे सारे रिश्तेदार, मेरी मौसी और मेरी बुआ और यहाँ पे मेरी दीदी वगैरह सभी आए हुए हैं। कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि हमारी बहन बेटी यहाँ पे सेफ नहीं है। अगर ऐसा कुछ लगता हमें तो हम आना ही ना बंद कर देते हैं। हमें 15 साल से आ रहे हैं रेगुलर। उनके जाने के बाद तो जी जो नशेड़ी थे, जिनका व्यापार चल रहा था, नशों का व्यापार चल रहा था, देह व्यापार में जो इन्वॉल्व थे, उनके तो मजे आ गए जी। क्योंकि हमारे सतगुरु जी, हमारे बाबा जी जो हैं, उनको हमें हमेशा मोटिवेट करते थे ये सारी चीज़ें बुराइयाँ छोड़ने के लिए कि शराब नहीं पीनी, दूसरों को भी रोकना है, सबको समझाना है। और जब हर महीने जो है शपथ लेते थे यहाँ पे करोड़ों लोग कि हम आज से नशा नहीं करेंगे, हाथ खड़ा करते थे कि भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, भ्रूण हत्याएँ बढ़ गई हैं, शराब नशे वगैरह सभी कुछ बढ़ गया है जी। और देह व्यापार तो आप देख रहे हैं कि चरम सीमा पे पहुंच गया है गुरुजी के जाने के बाद, बहुत ही दिक्कत हो गई है जी।